हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित एक एसे हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मेन डीके, इस एसे की समरी देखेंगे। इस एसे की सेंट्रल आइडिया हम देखेंगे। सबसे पहले हम जीबी शॉ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी लेते हैं। जीबी शॉ, इनका फुल नेम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और ये 20वीं सदी के यानी 20th century, ये 20वीं सदी के एक महान नाटककार और एसेइस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे पॉपुलर प्लेज और एसेज लिखे हैं, और उनके जो फेमस प्लेज है उनमें से आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन और पिग्मेलियन। पिग्मेलियन को माय फेयर लेडी ऐसा भी कहा जाता है। तो बहुत सारी अन्य भाषाओं में भी इनकी पिग्मेलियन या फिर माय फेयर लेडी का ट्रांसलेशन हुआ है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को 1925 का नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो राइटिंग है, उनके जो एसेज है या फिर उनके जो प्लेज है, ये प्लेज एक स्पेशल थिंकिंग हमें इंडिकेट करते हैं, और वो थिंकिंग है आर्ट फॉर लाइफ सेक। यानी कि लिटरेचर जो होता है या फिर कोई भी मान लो आर्ट जो होती है वो लोगों के लिए होनी चाहिए। ओके, तो उस आर्ट से, उस लिटरेचर से लोगों में कुछ सुधार हो, लोगों में कुछ परिवर्तन हो, इसीलिए इन लोगों को यानी कि इन राइटर्स को लिखना चाहिए, ऐसा जीबी शॉ मानते थे। ओके, तो आर्ट फॉर लाइफ सेक ये जो स्ट्रीम है तो इसमें जीबी शॉ बिलीव करते थे। इसीलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जो भी प्लेज लिखे, जो भी एसेज लिखे, उन सबके पीछे उनका ये मकसद था कि उनके प्लेज से, उनके एसेज से लोगों में कुछ सुधार हो, लोगों को कुछ बातें समझे, इसीलिए उनके प्लेज को अक्सर डायडेक्टिक प्लेज ऐसा भी कहा जाता है। डायडेक्टिक यानी कि कुछ सिखाना, तो वो कुछ हमेशा कुछ सिखाना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे, और इसी की वजह से उनके प्लेज बहुत बार सटायरिकल होते हैं। सटायरिकल यानी वो आलोचना करते हैं, और इस एसे में भी, इस एसे में भी वो आलोचना करते हैं। और वो किसकी आलोचना, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म, सटायर, तो किसकी आलोचना करते हैं इस एसे में, तो कैपिटलिज्म, ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की वो आलोचना करते हैं। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद, या फिर हम इसको संपत्तिवाद ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ थोड़े लोगों के पास ज्यादा संपत्ति होती है, ज्यादा पूंजी होती है, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो मान लो फैक्ट्रीज होती है, और ज्यादा से ज्यादा जमीन भी होती है, वो सिर्फ थोड़े लोगों के पास होती है, और इसीलिए वही लोग अमीर होते हैं, इनके पास ही बहुत ज्यादा पैसा होता है, और ये लोग, इनका जो प्रभाव है वो गवर्नमेंट पर भी डालते हैं। और इसके कॉन्ट्रास्ट, इसके विरुद्ध दूसरा जो वर्ग होता है, वो वर्ग होता है किसानों का, वर्कर्स का, लेबरर्स का। इन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, इनकी जिंदगी भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो ये जो कैपिटलिज्म, ये सिस्टम है, इस सिस्टम पर जीबी शॉ ने आलोचना की है उनके इस एसे में। अभी वो कैसे आलोचना करते हैं, क्या कहते हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो वो एक एग्जाम्पल देते हैं, एक्चुअली वो दो एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन पहला जो एग्जाम्पल देते हैं वो पिंस का देते हैं। पिन यानी जो छोटी पिन होती है जिसका प्रयोग हम कागज में लगाने के लिए, कागज को लगाने के लिए करते हैं। तो ये जो पिन होती है, तो वो कहते हैं कि पुराने जमाने में ये पिन मेकिंग का काम जो लोग करते थे, तो सभी काम जो वो पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते थे, तो मान लो अगर पिन बनानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदना होता होगा, तो उसके बाद वो जो मटेरियल है, तो उस मटेरियल को पिन बनाने के लिए जो भी प्रोसेसेस करनी पड़ती थी, उसको शेप देना पड़ता था, तो वो बस वही लोग करते थे। ओके, मान लो एक आदमी वो काम करता था, तो वो रॉ मटेरियल खरीदता था, तो फिर उसको वो शेप भी देता था, और फिर डोर टू डोर जाकर वो बेचता भी था। तो रॉ मटेरियल बाय करना, ओके, खरीदना, फिर उसको शेप देना, वो बनाना, वो चीज बनाना, और फिर वो बेचना, तो वो एक ही आदमी वो काम करता था। तो क्या होता था, उस आदमी को वो मटेरियल खरीदना,
फिर वो बनाना और बेचना, इसके अनुभव से उसको पूरा जो ये प्रोडक्शन है ये कैसे चलता था, तो उसको पूरी आइडिया होती थी कि ये क्या हम बना रहे हैं। तो रॉ मटेरियल खरीदते समय भी, शेप देते समय भी और बेचते समय उसको पूरा आइडिया था, तो वो इंटेलेक्चुअल था। जी भी शौक कहते, तो वो इंटेलेक्चुअल था, उसको पूरा जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस है ये प्रोसेस उसको पता था। ओके और इन द सेम वे बिल्कुल इसी तरह उलन गारमेंट्स यानी कि कपड़े बनाना पुराने जमाने में शिप से जो उल मिलती थी, ओके शिप से जो उल मिलती थी उस उल से कपड़े बनाते थे। अभी जो लोग कपड़े बनाते थे वही लोग वो शिप से उल निकालते थे, उसको फिर धागों में ऐसा बना, उसके धागे बनाते थे और उससे कपड़े बनाते थे। तो जो लोग मान लो वो आदमी हो औरतें हो तो उनको वो पूरा प्रोसेस मालूम था, तो मान लो उन्होंने अगर कपड़ा देख लिया तो उनको उसके पीछे का पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो सब पता था, और इसीलिए उनके जो स्किल्स थे, उनके पास जो स्किल्स थे, इसीलिए जी बी शॉ उनको कहते थे कि वो स्किल्ड लोग थे, उनके पास वो स्किल्स थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक सिस्टम आया जिसको हम कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, फिर फैक्ट्रीज लगी और फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होने लगा। अभी जो पिन लोग बनाते थे वो पिन्स फैक्ट्रीज में बनने लगी, और ये एक पिन बनाने के लिए 18 लोगों की जरूरत पड़ती थी फैक्ट्रीज में, क्योंकि हर एक का काम उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था और एक आदमी को बस छोटा सा ही काम मालूम था। मान लो किसी को थोड़ा सा शेप देने का काम है तो बस उसको वही काम मालूम था, फिर वो वहां से दूसरी जगह जाता था। इस तरह पूरी पिन बनाने के लिए 18 लोगों को बस थोड़ा 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 जानकारी थी, किसी को भी ये नहीं पता था कि एक्चुअली पूरा पिन बनाने का प्रोसेस क्या है। तो क्या हुआ, ये जो आदमी थे ये आदमी पूरे मशीन्स में चेंज हुए। तो मान लो इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था कि कैसे पिन बनाई जाती, बस उनको वही बात मालूम थी जो उनको बताई जाती थी, तो वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल आदमी नहीं थे। अब यहां जी बी शॉ ये कहते हैं कि उनके जो स्किल्स थे तो वो स्किल्स तो उन्होंने खो दिए, और इसका एक फायदा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम में होता है वो क्या था, जब लोग पिन बनाते थे तब पिन महंगी थी, इसका जो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट था वो महंगा था, और फिर कैपिटलिस्ट सिस्टम में ज्यादा पिन्स बनने लगी, एक दिन में 5000 पिन्स बनने लगी और ज्यादा सस्ती मिलने लगी। लेकिन इससे ये हुआ कि ये जो लोग थे जिनको पूरा प्रोसेस मालूम था वो प्रोसेस उनको फिर पता नहीं था, तो वो जो लोग थे वो लोग पूरे मशीन्स में तब्दील हो गए, तो वो लोग पूरे मशीन्स हो गए। और एक बात यहां स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं जी बी शॉ कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है तो इनका समर्थन कुछ लोगों ने किया है, इसको सपोर्ट कुछ लोग करते थे, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। तो एडम स्मिथ है जिनको फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, तो एडम स्मिथ ने ये कंसेप्ट लाया था और वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। उनका ये मानना था कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो वो प्रोडक्शन होता है तो वो बहुत ज्यादा स्पीड से होता है और वो बहुत ज्यादा चीप यानी कि सस्ता प्रोडक्शन होता है, जो कस्टमर होता है तो कस्टमर के लिए वो प्रोडक्शन अच्छा होता है क्योंकि उसको सस्ते में चीज मिल जाती है। ओके लेकिन जी बी शॉ इसके खिलाफ थे, जी बी शॉ एडम स्मिथ की इस बात से सहमत नहीं थे कि कैपिटलिज्म अच्छी चीज है। कैपिटलिज्म को समर्थन करने के लिए एडम स्मिथ का उसका अपना एक लॉजिक था, लेकिन जी बी शॉ को यह पसंद नहीं था, जी बी शॉ ये लॉजिक लाइक नहीं करते थे। और एक बात है यहां, एक्चुअली ये जो टाइटल है हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मेन डीके, ये जो टाइटल है जी बी शॉ ने ये टाइटल ऑलिवर गोल्ड स्मिथ से लिया है। एक्चुअली ये जो फ्रेज है हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मेन डीके, ये फ्रेज सबसे पहले ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने यूज की गई है। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ एक पोएट और नाटककार थे जिन्होंने शी स्टूप्स टू कॉन्कर एक बहुत फेमस प्ले लिखा है, तो गोल्ड स्मिथ ने पहली बार ये फ्रेज का यूज किया है। और जी बी शॉ गोल्ड स्मिथ को अ फार साइटेड इकोनॉमिस्ट, तो एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री, ऐसा जी बी शॉ गोल्ड स्मिथ को मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि हम थोड़ा इसका एनालिसिस करते हैं इस फ्रेज का, इस टाइटल का, हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स, वेल्थ यानी संपत्ति, एक्यूमुलेट यानी संग्रह होना, तो इस संपत्ति का संग्रह होता है, अब
किन लोगों के पास इसका संग्रह होता है? जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, ओके, जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके पास इसका संग्रह होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, मेन डीके होते हैं। अभी डोंट टेक इट लिटरली, इसका आप डीके जो मीनिंग है, डीके का ऐसा शब्दशः इसका मीनिंग मत लो। डीके का मतलब है लोगों के स्किल कम हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मान लो लोग अमीर होते जाते हैं, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है, तो लोग अपने जो इंडिविजुअल स्किल्स होते हैं वो स्किल्स खो देते हैं। क्योंकि पहले लोग जो अपने इंडिविजुअली काम करते हैं एक एक, फिर वो काम करते नहीं और वो लोग सिर्फ मशीन्स पर ही उनके काम के लिए निर्भर रहते हैं। तो वो एक ड्रॉबैक है कैपिटलिस्ट सिस्टम का, और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और एक बात है कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने एक बात क्रिएट की है और वो है यूनिवर्सल इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, ओके, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी वैश्विक इग्नोरेंस इस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने निर्माण किया है। और वो इग्नोरेंस क्या है कि किसी को भी पता नहीं कि चीजें कैसे बनाई जाती है, ओके, उसका होल प्रोसेस, उसका संपूर्ण प्रोसेस किसी को भी पता नहीं। बस एक छोटा पार्ट, मान लो मैं और एक एग्जांपल यहां देता हूं, मान लो एक कार बनाने की फैक्ट्री है, ओके, कार बनाने का बड़ा प्लांट है। अब जब कार बनती है तो कार के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो कोई एक आदमी सब नहीं जान सकता कि कार कैसे बनती है। मान लो कोई इंजन का काम कर रहा है, इंजन में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कार के इंजन में, तो एक आदमी को एक पार्ट का काम, दूसरे आदमी को दूसरे पार्ट का काम, और ऐसे बहुत सारे लोग मिलकर एक इंजन बनाते हैं। और बाकी जो पार्ट होते हैं, कार के जो पार्ट्स होते हैं, गाड़ी के जो पार्ट होते हैं, तो बहुत सारे लोग, मान लो हजारों की संख्या में फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग हैं। अब अगर आप एक आदमी को कहोगे कि भाई तुम बताओ कि यह कार कैसे बनती है, शुरू से लास्ट तक बताओ, तो वो नहीं बता पाएगा। तो इसको इग्नोरेंस कहते हैं, जीबी शाह इसको इग्नोरेंस कहते हैं, और ये इग्नोरेंस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने ही निर्माण किया है, ऐसा जीबी शाह का मानना है। और एक बात है कि बुक्स के बारे में जीबी शाह कहते हैं कि बुक्स हमें ज्यादा नॉलेज नहीं दे सकती, किताबें या फिर पुस्तकें हमें ज्यादा नॉलेज नहीं दे सकती, क्योंकि अक्सर ये जो किताबें लिखी होती है, जिन लोगों ने लिखी होती है, उन लोगों ने कोई दूसरी किताबें पढ़ के या फिर किसी और की बातें सुन के ये किताबें लिखी होती है, तो किताबों से भी हमें ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता। और एक बात है, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये कैसे बुरा है कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये कैसे अच्छा नहीं है, ये बताने के लिए और एक बात वो बताते हैं कि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या करता है, सिनेमा और दूसरे जो मनोरंजन के मींस ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन है, इसको कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रमोट करता है। अब कैसे प्रमोट करता है, देखो मान लो एक वर्कर है, वर्कर दिन भर फैक्ट्री में काम करता है और वो उसके घर आता है। अब दिन भर वो काम करने से और एक ही काम करने से, क्योंकि वहां वो एक ही एक तरह का ही सुबह से शाम तक एक ही तरह का काम कर रहा है, फिर वो बोर हो जाता है और जैसे ही घर आता है वो बहुत थका हुआ होता है, तो उसको अब कुछ तो मनोरंजन चाहिए, कुछ तो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो फिर वो क्या करेगा, वो टेलीविजन ऑन करेगा, कुछ तो उसको टेलीविजन पर दिखेगा, चित्र दिखेंगे, और वो कुछ इमेजिनेशन करता रहेगा, और फिर वो किताबें पढ़ेगा नहीं। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम से ही ये जुड़ा है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रमोट सिनेमा एंड अदर मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट गुड थिंग फॉर द सोसाइटी, बिकॉज वी शुड रीड, क्योंकि हमें पढ़ना चाहिए। सो नेक्स्ट यहां ये कहते हैं, जीबी शाह कहते हैं कि जो सैवेज कम्युनिटीज है, जो सैवेज, सैवेज यानी कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, मान लो एस्किमोज लोग है, तो इनका उदाहरण जीबी शॉक उनके ऐसे में देते, एस्किमोज यानी कि जो लोग आर्कटिक सर्कल के बाजू में रहते हैं, एस्किमोज, मान लो सैवेज कम्युनिटीज, ट्राइबल कम्युनिटीज, जीबी शॉ ऐसे लोगों को ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। क्यों समझते हैं, क्योंकि इन लोगों को इनके काम खुद ही करने पड़ते हैं, मान लो खाना खाने के लिए इनको खुद ही कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर उनकी जो जरूरतें हैं जैसे कि फूड, क्लोथ्स और शेल्टर, ये बेसिक जरूरतें हैं, ओके, तो इसके लिए इनको झगड़ना पड़ता है, काम करना होता है, तो इनके पास ये स्किल्स होते हैं, ऐसा जीबी शाह कहते हैं। और एक बात ये बताते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, ये जो वर्कर काम करते हैं, तो ये वर्कर का उस चीज पर कुछ नियंत्रण नहीं होता जो चीज वो बना रहे हैं, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट लोग है, जो ओनर्स है, वो फैक्ट्रीज के ओनर्स है, उनका उस चीज पर नियंत्रण होता है।
ओके और ये जो मशीनरी है ये एक बात कहते हैं कि प्रोलिफरेशन ऑफ मशीनरी, प्रोलिफरेशन यानी कि स्प्रेड ऑफ मशीनरी. सो एवरीवेयर वी सी दैट देयर आर मशीनरीज यूज्ड इन फैक्ट्रीज एज वेल एज दे आर यूज्ड एट होम्स आल्सो. ओके इन अवर हाउसेस आल्सो वी यूज मशीनरीज. हम बहुत सारे यंत्रों का उपयोग हमारे निजी जीवन में या फिर फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए करते हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इससे सबसे बड़ी हानि क्या हो रही है, तो डिक्लाइन हो रहा है. किसका डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन ऑफ इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन. तो बस लोगों को आप एक ही तरह का काम दे रहे हो तो हजारों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में वर्कर्स है, उन लोगों को बस एक ही जैसा काम आप देते हो तो वो कुछ ज्यादा सोचते नहीं. बस बताया गया है ना ये काम करने का, बस ये छोटा सा पार्ट बनाने का, मान लो कोई एक गाड़ी है उसका एक छोटा सा पार्ट बनाए, बस वही काम वो करता है जिंदगी भर, वही काम करता है. तो वो कुछ इनोवेशन नहीं कर सकता, वो उसकी तरफ से कुछ इंटेलिजेंट आइडियाज उसमें नहीं डाल सकता. तो इसका डिक्लाइन हो रहा है, ये कम हो रहा है इंटेलिजेंस और इनोवेशन. और एक बात है कि उससे इग्नोरेंस हो रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, और लोग हेल्पलेस यानी कि मजबूर है कि उनका कुछ नियंत्रण नहीं है इस प्रोसेस पर. और एक बात है कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम ने ये जो पूरी दुनिया है, ये पूरी दुनिया डेंजरस ऐसी हुई है, और लोग जो है वो डेंजरस ल्यूनेटिक्स यानी कि मैड, ल्यूनेटिक यानी कि मैड पर्सन, लोग ऐसे पागल हो गए, ऐसे जीबी शॉ कहते. और ये कैपिटलिस्ट सिस्टम हैज क्रिएटेड इडियोसी, IDIOCY, इडियोसी दैट इज रिलेटेड टू द इडियट दैट इज फूल. सो दिस कैपिटलिस्ट सिस्टम हैज क्रिएटेड फूल्स आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो लोगों को इस कैपिटलिस्ट सिस्टम ने मूर्ख बना दिया है, तो ऐसा जीबी शॉ इस ऐसे में कहते हैं. तो आई होप कि आपको ये ऐसे का जो समरी है ये समझ में आया होगा. तो बस ये कैपिटलिज्म जो है आप ये समझ लो, और कैपिटलिज्म की आलोचना पूरे ऐसे में कौन से एग्जाम्पल्स के साथ जीबी शॉ करते हैं, अगर आपको ये समझ में आता है तो आपको ऐसे समझ में आए. तो आई होप कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.